हेलो स्टूडेंट, तो चलो आज लेक्चर नंबर 5 देखते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम। आई होप इसका पहले का वीडियो जो लेक्चर 4 था अच्छे से समझा है, लेकिन फिर हम और एक करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें हम न्यू रेजिम से भी करेंगे, ओल्ड रेजिम से भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी हियर, दिस इज द क्वेश्चन। मिस्टर प्रकाश मोहिते हैज गिवन द फॉलोइंग इनकम फाइनेंशियल एंडिंग 2022। तो देखो यहाँ पे कैसे हमें पहचानना है कि हमें कौन सा कैसे करना है, कौन सा न्यू रिजिम में कंफ्यूजन है। दो रिजिम है न्यू के, एक 2.5 लाख और एक 3 लाख का डिफरेंस वाला। तो देखो यहाँ पे उन्होंने फाइनेंशियल 2022 दिया है, मतलब असेसमेंट ईयर क्या होगी, 2022-23 होगी। ठीक है, सो 2022-23 या 2023-24, इसको हम कौन सा वाला रिजिम यूज करेंगे, 2,50,000, 2.5 लाख का जो डिफरेंस है ना वो वाला। हाँ, अगर यदि यहाँ पे उन्होंने दिया होता कि 31 मार्च 2024, तो हमने असेसमेंट ईयर 2024-2025 किया होता और यहाँ पे फिर हमने वो 3 लाख का डिफरेंस लिया होता, 3 लाख, मोर देन 3 लाख टू 6 लाख, 6 लाख टू 9 लाख। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके से सिखाया है, तीनों तरीके से, ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम और न्यू रिजिम असेसमेंट ईयर 2024-2025। ठीक है, सो कैसे भी आने दो, हमको क्वेश्चन आराम से इजी जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रॉस सैलरी दी है, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी दी है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस दिया है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिविडेंड रिसीव्ड, इसका मतलब हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दिया है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दिया है, देन हाउस प्रॉपर्टी, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है। गॉट इट? सो यहाँ पे उन्होंने कौन सा कॉम्बिनेशन किया है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कैपिटल गेन मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी दिया है, तो 4 दिए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही पेड प्रोफेशनल टैक्स 2,500, इनकम टैक्स 50,000, देन ही पेड 10,200 LIC प्रीमियम, डिपॉजिट इन PPF। चलो बताओ ये किसके लिए इंफॉर्मेशन है? यस, अंडर सेक्शन 80C के टाइम काम आएगा, वो भी ओल्ड रिजिम के वक्त। न्यू रिजिम के वक्त तो ये इग्नोर ही करना है हमें। ठीक है, देन इन्वेस्टेड 5,000 इन NSC सर्टिफिकेट, FD बनाया है टैक्स सेविंग में स्टेट का 50,000, कंप्यूट टोटल टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, अब ये गलत दिया है। देखो असेसमेंट ईयर यहाँ पे फाइनेंशियल 22 है, तो असेसमेंट ईयर यहाँ पे एक्चुअली कितना होना चाहिए था, 2022-23 होना चाहिए था। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, बट डोंट वरी, आप दिमाग ठंडा रख के करो, बराबर से आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर अगर 2021-22 है तो उसका आगे का साल ही हमारा असेसमेंट रहता है। ये साल हम इनकम कमाते हैं और इस साल हम इनकम टैक्स पे करते हैं। गॉट इट? चलो, एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ एडॉप्टिंग टैक्सेशन अंडर न्यू रिजिम। हम तीनों से देखेंगे, देखते हैं कौन सी अच्छी है। सो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करके बताऊंगी, ऑलरेडी मैंने सब सिखाया है आपको। ग्रॉस सैलरी, सैलरी के बाद हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना होता है, एंड प्रोफेशनल टैक्स की भी इंफॉर्मेशन दी है तो वो भी भरना है, तो हमारी नेट सैलरी हो गई 7,50,500। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम, हम लाइन से जाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, डायरेक्टली 15,000 दिया है, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि म्यूनिसिपल टैक्स है, इंटरेस्ट लिया है, लोन लिया है, नथिंग। तो सिर्फ डायरेक्टली क्लियर कट उन्होंने बोला है हमको इनकम 15,000, रेडीमेड आंसर दिया है। तो ये हो गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सॉरी बिजनेस। तो बिजनेस में देखो उन्होंने दिया है, डायरेक्टली आंसर दिया है 1,50,000, कोई भी एक्सपेंसेस अलाउबल डिसअलाउबल ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो डायरेक्टली लिखो, अच्छी बात है। ठीक है, डायरेक्टली रेडीमेड अमाउंट मिल रहे हमें, तो वी गॉट इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट हमारा इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसमें भी उन्हें देखो इंटरेस्ट मिला है 3,800, सो वो हमने यहाँ पे लिखा, देन और कुछ दिया है क्या, डिविडेंड एग्जेम्प्टेड है। ओके, तो यहाँ पे जो डिविडेंड मिला है इंडियन कंपनी से, ये एक ध्यान में रखो, इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, तो ये एग्जेम्प्शन मिला है, तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारा है 9,19,300। समझ में आया हमने क्या किया, ये क्यों एग्जेम्प्शन किया है हमने डिविडेंड, क्योंकि इंडियन कंपनी से मिला है।
फॉरेन से होता तो जरूर हम यह टैक्सेबल करते। तो ये छोटी छोटी बात आपको याद रखनी है और इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है ताकि हमें समझ में आए। नाउ विल मूव टू द डिडक्शन। बाकी सब इन्फॉर्मेशन फिर एक बार देखनी है, कुछ छूट ना जाए। अब ही पे 10,200 LIC, डिपॉजिटेड PPF, 5,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड FD जो 5 साल का, एक दो साल के लिए नहीं होता है, FD जो 5 साल के लिए रखी जाती है वो डिडक्शन में आती है। तो देखो 1, 2, 3, 4 तो ये सब की टोटल 75,200, ठीक है। मैक्सिमम 1,50,000 अलाउड है। हाँ, इसकी सब की टोटल अगर 2 लाख आती है, अगर ये सब की टोटल 2 लाख आती तो हमने यहाँ पे कितना लिया होता, 1,50,000, क्योंकि मैक्सिमम अंडर सेक्शन 80C हमें कितना अलाउड है, 80C के अंडर 1,50,000। बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली ज्यादा क्रिटिकल नहीं किया, ये सब की टोटल 75,200 आती, मतलब 1.5 लाख से कम। तो 1.5 लाख तक तो आपको कोई कितना भी ले सकते हो, तो ये माइनस करो इसमें से, तो टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई 8,44,000। क्लियर है? तो ये ऑलरेडी मैंने सब डिटेल में सिखाया है। अगर आप नए हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे वीडियो देखो। नाउ नेक्स्ट विल सी, अब हमें निकालना है टैक्स लायबिलिटी। तो पहले हमारा ओल्ड रेजिम देखते हैं हम लोग, ठीक है। और एक न्यू रेजिम में या ओल्ड रेजिम में ना बिलो 60 को अलग स्लैब है, 60 to 80 को अलग स्लैब है, और अबाउ सुपर सीनियर सिटीजन उसको अलग है स्लैब। लेकिन न्यू रेजिम में ये सब कुछ हटा दिया है, सबको सेम टैक्स का स्लैब होगा, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखना है, ट्रू एंड फॉल्स के लिए आ सकती है। चलो अब मुझे आप बताओ, हमारा 8,44,000 है तो हम कौन से इनकम में बैठेंगे, ये वाले। तो हमें ये स्लैब तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, फाइनली हम यहाँ तक पहुंचना है। तो उसके पहले ये और ये तो करना है हमें, तो करो। ये नील, इन दोनों का डिफरेंस 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% कितना आता है, आपको याद होना चाहिए, 12,500। अब 5 लाख से 10 लाख में हमारा इनकम फॉल हो रहा है, तो 5 लाख से 8,44,000, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 5 लाख से 8,44,000, इन दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3,44,000। तो उस पे 20% आंसर आएगा, तो टोटल टैक्स आएगा ग्रॉस टैक्स 81,320, बट 4% हमें सेस लगाना है, तो 84,574, दिस इज ओल्ड रेजिम। अब सेम हमें न्यू रेजिम में देखना है, लेकिन न्यू रेजिम में हम जब देखेंगे तो हमें ये सब कुछ हटाना है, बिकॉज न्यू रेजिम इज नॉट अलाउ द डिडक्शन। तो ये सब कुछ भरना है, हमें क्या करना है, भूल जाना है। तो डायरेक्टली विल सी दिस मच अमाउंट ओनली। क्लियर है? ओके, सो ये राउंड फिगर करना है, ये 572 है ना, तो 572 नहीं, इसको राउंड फिगर करते 580। आप इतना करोगे तो भी चलता है, लेकिन और थोड़ा सा बताना है हमें कितना नॉलेज है पेपर चेकर को, तो ये कर दो राउंडेड फिगर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं न्यू रिजिम से, फिर से यही, अब मैं यही कहूंगी कि पहले ये हमें क्या करना है, बिल्कुल नहीं बताना है, अब हम सिर्फ यही तक फोकस करेंगे। तो हमारा न्यू रिजिम है 2.5 लाख का है, कौन से रिजिम में हम फॉल हो रहे हैं, देखो 9,19,000 कौन से इसमें आ रहा है, यहाँ। तो ये डेस्टिनेशन हमारी क्या है, यहाँ पे। तो उसके लिए पहले हमें ये पार करना होगा, ये पार करना होगा, ये करना होगा, एंड फिर इसमें हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट करो, 2 लाख नील, इन पे 12,500, इस पे 2.5 लाख, अब हमारा आ गया स्लैब 7,50,000 to 9,19,300, इन दोनों। तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 1,69,300, वो डिफरेंस पे हमें 15% निकालना है। आया समझ में? डायरेक्टली इस पे 15% नहीं निकालना है, सो इसका 15%, इसकी सबकी टोटल, फिर सेस 4% एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी 65,410। तो देखो मेरे ख्याल से ओल्ड रिजिम में कम आ रहा था टैक्स, तो हमें कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए, ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम, जिसमें कम भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने उतना ऑप्शन दिया है हमें, ठीक है। चलो अगर उन्होंने असेसमेंट ईयर 24-25 पूछा तो हमारा ये न्यू रिजिम ही है, लेकिन फिर कौन सा रहेगा, इसके बदले 3 लाख, सब में 3 लाख का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो देखो चलो हो गया, तो हमारा फिर से न्यू रिजिम है, न्यू रिजिम ये देखना ही नहीं है, तो हमारा इनकम यही है, कौन से इसमें फॉल हो रहा है, इसमें फॉल हो रहा है हमारा, ठीक है। तो हमें ये तो 3 पार करना पड़ेगा, फटाफट करो। अब 9 लाख से
9 लाख से 19, इन दोनों का डिफरेंस 19,300 आ रहा है, ठीक है, तो उसपे हम क्या करेंगे 15%, जो डिफरेंस आ रहा है 9,19,000 तो अबाव है, लेकिन कितना अबाव है 19,300, तो उतना ही हम क्या करेंगे टैक्स भरेंगे 15, सो मेक अ टोटल अगेन 4% सेस, सो 49,800। तो देखो आपके सामने है ये तीनों टैक्स, बताओ कौन सा ज्यादा सूट करेगा, ओल्ड रिजिम के अंडर 84,580, न्यू रिजिम के अंडर 65,410, और अभी के लेटेस्ट रिजिम जो आएगा 24-25 उसमें 49,810, ठीक है। फिर एक बार कहती हूँ आपको, शायद पेपर में ये वाला इमीडिएटली लेटेस्ट जो है वो शायद नहीं आएगा, शायद ये नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक असेसमेंट ईयर 24-25 अगला 25 है ना, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं, तो ये याद रखना। तो यूजुअली ये और ये, अगर आपको पूछा कि कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आपको नोट लिखनी है कि हमें अकॉर्डिंग टू न्यू रिजिम से क्या करना है, टैक्स लाइबिलिटी पे करनी। तो आई होप आपको ये स्लैब भी समझ में आ गया है। सो ऑलमोस्ट टैक्सेशन का सिलेबस मैंने कंप्लीट किया है। रेस जो है आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि सभी में क्वेश्चन करो। वन मोर मुझे और एक इंस्ट्रक्शन देना है कि आप जो कमेंट्स करते हो, आप वीडियो पढ़ते ही सुनते ही नहीं हो, स्किप स्किप करते हो और फिर मुझे क्वेश्चन पूछते, मिस ये कैसे हुआ, मिस ऐसे होगा तो क्या होगा। मैंने बहुत कोशिश की है डिटेल में पढ़ाने की, तो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, पूरा वीडियो सुनो तो आपको समझ में आएगा। ओके चलो जल्दी मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम्स है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।